मूवमेंट को एक साल हो गया, एनिवर्सरी का दिन है और आज प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं देश के साथ में तमाम हस्तियां दरअसल इसमें शामिल हो रही हैं। एक वर्चुअल ये कॉन्फ्रेंस है, आप देखिए विराट कोहली भी दिखाई पड़ते हैं। जो प्लेटफॉर्म है इसमें 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया है, तो इससे भी ये दर्शाता है कि कितने लोग प्रेरित हुए हैं प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट के इस कॉल से। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट, उसमें एक अहम बात कही थी कि फिट इंडिया मूवमेंट पीपुल्स मूवमेंट बनना चाहिए, ये लोगों का ड्राइव होने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। जो कॉल किया है, मैं आज खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि ये पीपुल्स मूवमेंट बनते जा रहा है और पिछले एक साल में बहुत सारा कार्यक्रम इस देश में हुआ है जो हमारे फिटनेस को एक नए स्तर तक लेके गए हैं। तो इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए हमारे मंत्रालय ने एक फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है और उस फिटनेस प्रोटोकॉल में 3 एज कैटेगरी बनाया है, जो 5 साल से 18 साल, 18 से 65 और 65 साल से ऊपर के लिए एक फिटनेस अप्रोप्रिएट ऐप्स बनाया है और किताब प्रिंट किया है जिसको WHO ने भी बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है उसको लॉन्च करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो आज के बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फिट इंडिया डायलॉग शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले हमारा पैरा ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए देवेंद्र जजरिया से मैं शुरू करना चाहता हूं। तो मैं अनुरोध करता हूं देवेंद्र जी, आप अपने फिटनेस कार्यक्रम और आपका जो जीवन में क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए आज के जो प्रधानमंत्री जी के साथ डायलॉग करेंगे वो आपसे शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इंद्र जी नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, प्रणाम। देवेंद्र जी, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर भी रहे हैं और मैं चाहूंगा कि शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप अपने फिटनेस रूटीन को जिस प्रकार से मेंटेन किया है और जिस प्रकार से आपने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, तो जरूर आपसे देश कुछ सुनना चाहेगा और मैं भी सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, जब मेरी 9 साल की उम्र थी तो बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था तो ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो माताजी ने कहा कि जाइए बाहर खेलिए आप। तो मैंने कहा कैसे खेलूं, अब मेरे तो हाथ ही नहीं है। लेकिन माताजी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप बाहर निकलिए, खेलिए बच्चों के साथ, आप भी औरों जैसे ही हैं। तो मैंने उस दिन घर से बाहर निकल के सोचा कि मैं कमज़ोर नहीं कहलाऊंगा, मैं सबसे फिट बन के दिखाऊंगा। उसके बाद खेल की शुरुआत की और 2 बार गोल्ड मेडल लिया पैरालंपिक्स में, 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फिट इंडिया जो अभियान चला है 1 साल में, हमें बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान चला था घर घर तक, वैसे ये फिट इंडिया जो अभियान है वो भी घर घर तक पहुँचा है। मैं मानता हूँ 5 साल से लेकर के 80 साल तक के बच्चे भी इसमें, बुजुर्ग भी सभी शामिल हैं। मेरी माताजी की एज 80 साल है, वो भी मॉर्निंग में
टहलने जाती है कि मैं भी फिट बनूंगी। तो ये जो हमारा फिट इंडिया अभियान है, बहुत ही बड़ा अभियान है ये, और हर व्यक्ति इससे जुड़ा है एक साल में। देवेंद्र जी, मैं जानता हूं कि जब आपका इतनी बड़ी इंजरी हो गई, आपका एक हाथ एक प्रकार से चला गया, और उसके कई परेशानियां आपने झेली। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते जैसा आपने बताया? मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ये ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे एक घंटे सिर्फ हाथ की शोल्डर की जो इंजरी है उस पर एक घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। और मैं मानता हूं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। किस प्रकार से शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। मैं अलग अलग करता हूं, जैसे ये एक्सरसाइज करता हूं, ये एक्सरसाइज करता हूं, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज। जिस हाथ को इंजरी हुई है वहां क्या कर सकते हैं? वहां ये शोल्डर में इंजरी हुई थी, इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजें रहती है मेरी शोल्डर से, जैसे थेराबैंड एक्सरसाइज। वो आपका हाथ ऊपर होता है, जो इंजर हाथ है वो ऊपर होता है? नहीं, ये भी हाथ ऊपर होता है मेरा। हाँ बताइए। तो इसके लिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे किसी टाइम में थेराबैंड तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं ट्यूब से भी एक्सरसाइज करता था। साइकिल ट्यूब लेके आते थे हम, खरीद के लेके आते थे, उससे एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास संसाधन बहुत कम थे। चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माता जी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए हम अब जम्मू कश्मीर चलते हैं, बेटी अफसान से बात करेंगे। अफसान ने वैसे अफसान आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है, और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोल कीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए, वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे जे एंड के स्टेट की लड़कियां भी आगे आ रही है। नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां, उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एज अ लाइक संसार में बोला जाता है कि औरत पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे औरत माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू भी बनती है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए एक लड़की को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊं जी, आपने जिस प्रकार से अचीव किया है, एक कश्मीर की बेटियों के लिए, देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं। और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है, इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। और मुझे विश्वास है
कि आपको फॉलो करके देश भर में लड़कियां जरूर आगे आएगी और आगे तक जाएगी। लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं। जी सर, मैं एज अ गोलकीपर मेरा पोजीशन है। तो फिर तो आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, थोड़ा मेंटल अलर्टनेस भी करना पड़ता होगा। फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज अ कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स, डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो मुझे उस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा ना हो कम ना हो, ताकि मैं लाइक जब भी हम गोल पोस्ट पे खड़े होते हैं तो कीपर एक ऐसा इंसान होता है जो पूरा मैच देख रहा होता है, हर एक प्लेयर पे उसकी नजर रहती है, तो कीपर पे आई गेस मुझे लगता है 60% गेम डिपेंड रहता है, वो पूरा अपनी टीम को चलाता है। तो कीपर का फिजिकली फिट रहना जरूरी नहीं, मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। आप इसके लिए जो करती हैं कुछ बताओगी, ताकि हमारे देश के नौजवानों को, आपका रूटीन कैसे होता है, कैसे बता करती हैं आप, थोड़ा सा उनको गाइड करिए। मैं मोस्टली मॉर्निंग सुबह 5:30 ग्राउंड जाती हूँ, ग्राउंड पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में 5:30 उठ के पहले मेडिटेशन करती हूँ, ताकि अपना माइंड कूल एंड काम रख सकूँ। मैं जो हमारे MS धोनी है, कैप्टन है इंडियन टीम के, एक्स कैप्टन रह चुके हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो बहुत ही कामली काम करते हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर ही इज़ वेरी काम, और मुझे उनकी वो जो कामनेस है खुद में लाना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे वो कामली काम करते हैं अपनी लाइफ में, हर एक को अपनी लाइफ में वैसे ही कामली काम करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो दिन भर के काम होते हैं वो ईजिली और स्ट्रेस फ्री कर सके। ठीक है, आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होने के बजाय 24 घंटे स्क्रीन के सामने ही ज़्यादा समय बिताते रहते हैं। प्रत्येक राज्य में फिट रहने की अपनी स्थानीय परंपरा रही है। आपने तो बचपन अपना, भले आज इस फुटबॉल को लेकर के आप मुंबई में आप काफ़ी कुछ समय बिताती हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी एक विशेषता होती है फिटनेस की। कश्मीर में वेदर भी हमेशा अनुकूल नहीं होता है, बहुत ही विपरीत रहता है, तो ऐसे में आप वहाँ की कौन सी ऐसी पारंपरिक चीज़ें हैं जो वहाँ के बच्चों के जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है खेल कूद में कश्मीर के बच्चे शानदार है जी, अद्भुत है, ये नेचुरल फिटनेस में वहाँ क्या ऐसे तौर तरीके हैं? मोस्टली हम एक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है, जब हम बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में खेलने जाते हैं, तो हमें वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा स्टेमिना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उस लेवल के लिए जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और मैं वैली से बिलोंग करती हूँ, सब बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ है, तो डेफिनेटली पूरे चारों तरफ हमारी ग्रीनरी होती है जो हमें बहुत हेल्प करती है ब्रीथ करने में, हमें फ्रेश एयर मिलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ब्रीथ, कि हमें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करती है। और हमारे जो माउंटेन्स है, ऑल हमारे जो सराउंडिंग है माउंटेन से भरे पड़े हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा, बच्चे ट्रैकिंग को बहुत दिलचस्पी लेते हैं ट्रैकिंग में, क्योंकि माउंटेन्स है, उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलता है, और हमारी जो मोस्टली जो होती है मन की शांति के लिए नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अफसाना, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का भी नाम रोशन कीजिए और हमारे कश्मीर का नाम भी रोशन कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आइए मिलिंद जी से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते मिलिंद जी, मेड इन इंडिया मिलिंद जी। बिल्कुल। देखिए मिलिंद जी, आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे हैं जी। मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है जी। मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूं आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है जी, वही उम्र है कि कुछ और है? <laughs>
लोग मेरे मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दिस इज ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था, तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी, और मैं ये सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है, फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे, वो चलते थे 40 किलोमीटर चलते थे, 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकथॉन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है, और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हम हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज नो लिमिट, और ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था, अरे वाह, तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। क्योंकि वो 81 उनका बर्थडे था और वो 15 पुलअप्स कर रही है, पुशअप्स, जी पुशअप कर रही हो। मैं जी हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की, उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए जो आज वो रोज करती है। तो मिलिंद जी आपकी माता जी को मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रहे जी, और बचपन में हम लोग, मुझे तो बराबर, मैं अपने गांव में मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक ही क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, वहीं स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था, और ज्यादातर गांव के बच्चों के लिए तो यही होता है। लेकिन आपने इसको एक फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा के रूप में प्रमोट किया, मैं इसको पसंद करता हूं और मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। आप फिटनेस के लिए स्विमिंग को यूज करते रहे हैं, क्या अभी भी उसमें समय देते हैं? तो मेरा एक कोई ऐसा रूटीन नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। मैं दिन में जितना भी समय मुझे मिलता है, 3 मिनट हो या 30 मिनट हो या 3 घंटा हो, जितना समय मुझे मिलता है मैं एक्टिविटीज करते रहता हूं। कभी कभी बहुत कम समय मिलता है, और मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कॉम्पिटिशन में होते हो। तो फिट इंडिया से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर जल्द हाजिर होते हैं।